तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि गाइस अभी अपने ने काउफमैन कैब्स नाम की जो टैक्सी की कंपनी थी गाइस, उसको अपने ने ख़रीद लिया है। और उससे पहले गाइस यहाँ पे अपने ने जो आइसक्रीम फैक्ट्री की जो कंपनी थी उसको भी बाय कर लिया है। और दोनों कंपनी से गाइस अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। और मेरे को अभी यहाँ पे पता चला है गाइस, यहाँ पे जो प्रिंट वर्क की जो कंपनी, यानी कि सिंपली गाइस प्रिंटिंग की जो कंपनी है, वो गाइस लॉस में जा रही है। और उसका जो मालिक है उसने, यानी कि प्रिंटिंग कंपनी को $35,000 में बेचने के लिए निकाला है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइस, जो प्रिंटिंग कंपनी है उसको भी अपने ख़रीद लेते हैं। और वो लॉस में क्यों जा रही है उसके कारण जानते हैं, और फिर गाइस उसको, यानी कि जो कारण है उसको सुधार करेंगे अपने उसमें, और फिर गाइस उसको भी प्रॉफिट में ला के अपने प्रॉफिट कमाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो उसकी लोकेशन है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ, प्रिंटिंग कंपनी की लोकेशन पे। और यहाँ पे गाइस जो प्रिंटिंग कंपनी है गाइस ये रही, यानी कि जो भी है गाइस वो ये रही। और गाइस ये जो अपनी, यानी कि ये भी गैंग का इलाका है और हाईवे से थोड़े ही दूर है, यानी चलेगा गाइस, यहाँ पे नो पार्किंग लिखा है। फिर भी गाइस यहाँ पे अब इसको ख़रीदना है तो मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और गाइस देखो यहाँ पे कितने की गाइस, $35,000 की गाइस यहाँ पे है, तो मैं इसको ख़रीद ही लेता हूँ यहाँ पे से। यहाँ पे गाइस अपने ने इसको इसीलिए बाय किया क्योंकि गाइस अपने जो पैसे गाइस अपने पास देखो $1,61,079, यानी कि जो पैसा इसको अपने इन्वेस्ट कर देंगे जो बिजनेस है, जो कंपनीज है वहाँ पे, जिससे गाइस अपने को प्रॉफिट मिलता रहेगा, तो गाइस ये पैसे और बढ़ेंगे। इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बहुत, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ। और गाइस यहाँ पे चलते हैं और गाइस देखते हैं कारण मालूम यहाँ पे क्या है, क्यों यहाँ पे बंद हुआ है, लॉस में क्यों जा रहा है। चलते हैं फटाफट अंदर। और यहाँ पे गाइस जो प्रिंटिंग कंपनी थी गाइस उसके मैं अंदर गया और जो मशीन थी उसको देख रहा था। तो गाइस यहाँ पे मेरे को एक अंकल मिले और उनसे अपने थोड़ी बहुत बातचीत की। तो गाइस यहाँ पे मेरे को पता चला कि गाइस वो अंकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। और गाइस उनसे ही मैंने सोचा कि गाइस यहाँ पे ज़्यादा समय से काम कर रहे तो इनको ज़्यादा पता होगा। तो हमने पूछा भाई ये कंपनी लॉस में क्यों जा रही है, तो गाइस उसने बताया यहाँ पे अपने से पहले वाला जो ओनर था गाइस वो इस कंपनी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से इसकी जो मशीन से, यानी कि प्रिंटिंग मशीन बहुत कमज़ोर हो गई है और उसको चलाना मुश्किल हो रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे अंकल ने बोला क्या तुम ये मशीन्स को बेच दोगे, तो हमने बोला भाई यहाँ पे बेच के, यहाँ पे जो कंपनी उसको बंद अपने थोड़ी करने वाले, अपने ने प्रॉफिट के लिए इसको ख़रीदा है। तो अंकल ने पूछा तुम इससे क्या करोगे, तो हमने बोला यहाँ पे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स छापेंगे जिससे अपने को थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। तो गाइज़ उस अंकल ने बोला गाइज़ अपने यहाँ पे वो भी यहाँ पे छाप नहीं सकते। तो हमने बोला क्यों, तो गाइज़ उसने बोला उसके लिए अपने पास, यानी कि जो मशीन्स को काम करने के लिए प्लेट्स चाहिए होगी कोई, तो गाइज़ उसने बोला प्लेट्स यहाँ पे अच्छी वाली नहीं है अपने पास, इसीलिए वो काम नहीं कर रहेगी। तो गाइज़ यहाँ पे हमने बोला कहाँ पे मिलेगी वो प्लेट्स, तो उसने बोला इस सिटी में अपने को कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और अंकल ने बताया इनको पता चला है गाइज़ फ्लोरिडा में से गाइज़ कुछ प्लेट्स यहाँ पे आती है इस सिटी में, कोई बंदा आएगा गाइज़ वो यहाँ पे लेके आता है। और उसको लगता है अंकल को कि शायद है कि अफवाह है। तो गाइज़ यहाँ पे अपने चलते जो अपना खबरी, यानी कि कैंट पॉल, उसको पता ही होगा ये अफवाह के बारे में, और उससे चल के पूछते हैं भाई ये अफवाह है कि सही है। तो चलते गाइज यहाँ पे कैंट बोल के पास, और गाइज यहाँ पे मैं भूल गया था यहाँ पे टैक्सी अपने बुक करवाई है क्योंकि गाइज बहुत लंबा डेस्टिनेशन है, इसीलिए गाइज यहाँ पे $9 में बुक कर लिया अपने टैक्सी। और फटाफट चलते गाइज जो कैंट पॉल है मलिबू क्लब पे मिलेगा, तो वहाँ पे मिलते हैं डायरेक्ट। और इजीली गाइज यहाँ पे अपने पहुँच चुके हैं मलिबू क्लब पे, और फटाफट चलते और कैंट पॉल से पूछते हैं अफवाह के बारे में। और यहाँ पे गाइज मलिबू क्लब में आके गाइज जो कैंट पॉल है उससे अपने अफवाह के बारे में पूछा, तो उसने बोला अफवाह सही है, सबसे पहले यहाँ पे मैं कार ले लेता हूँ। और गाइज़ हमने बोला यहाँ पे और बता गाइज यहाँ पे अफवाह के बारे में, तो गाइज़ वो बता नहीं रहा था। तो गाइज़ उसको अपने ने, यानी क्या, मार के पूछा, बाकी पुलिस केस हो गए तो वो तो हट जाएगा। तो गाइज़ उसने बताया यहाँ पे कोई दर्जी रिट्स राइट्स की गैंग है कि गाइज़ वो यहाँ पे लाती है प्लेट्स, जो अपने बोल रहे अंकल ने अपने को बोला था वो प्लेट्स दर्जी रिट्स राइट की गैंग है, वही सिटी में लेके आती है प्लेट्स। तो और उसने बोला यहाँ पे जो है गाइज़ डॉकयार्ड पे उनकी एक शिपिंग कंपनी है, तो गाइज़ वहाँ पे, यानी कि आती है उनकी जो प्लेट्स है वहाँ पे। और गाइज उनकी जो कंपनी है उसका ऑफिसर्स को पता है कि दूसरी प्लेट्स कब आएगी, तो अपने चलना है जो उनकी शिपिंग कंपनी है वहाँ पे, और वहाँ का जो ऑफिसर है उसको पूछना है कि यहाँ पे दूसरी शिपिंग प्लेट्स कब आएगी। और गाइज वो सीधे सीधे तो अपने को बता नहीं देगा, वहाँ पे ट्राइड्स गैंग है, यानी कि गैंग है पूरी, तो गाइज वहाँ पे बंदे भी होंगे। इसलिए मैं चलता हूँ पहले गन की शॉप पे और वहाँ से गन को ख़रीदता हूँ। और गाइज यहाँ पे गन की शॉप पे से मैं अपनी जो मैक है, यानी कि यूजी अपनी बोलते हैं, वो ख़रीद लेता हूँ। बाकी यहाँ पे ये है गाइज ये क्रियोगर गाइज, इसको भी मैं यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ। बाकी आर्मर की अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाइज आर्मर अपने को वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा, जो डॉकयार्ड है वहाँ पे मेरे को पता है एक लोकेशन वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। मैं चलता हूँ जो डॉकयार्ड है वहाँ पे ही सीधा। यहाँ पे गाइज अपने पहुँच चुके गाइज जो वाइस सिटी का जो डॉकयार्ड है यहाँ पे, और गाइज यहाँ पे लिबर्टी एंड शिप बोला था, और जो अपने सामने है
यहाँ पे ऑफिसर है, और गाइस यहाँ पे अपने को आर्मर इस जगह पे से मिल जाएगा। ये रहा आर्मर, इसको मैं सबसे पहले पहन लेता हूँ क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा बंदे होंगे। मैं देखता हूँ गाइस यहाँ पे से मेरे को दिख रहे हैं एक दो, लेकिन स्नाइपर होती तो गाइस अपना काम हो जाने वाला था, लेकिन अपने स्नाइपर लेना अब कहाँ पर इतनी दूर जाए, इसलिए इससे ही काम चलाते हैं। और मैं कार को गाइस इस जगह पर सामने की तरफ ले लेता हूँ, और जो ऑफिसर से बस अपने को इन्फॉर्मेशन लेने की गाइस, जो न्यू प्लेट्स है कि गाइस अब कब आएगी। तो गाइस यहाँ पे बंदे होंगे जो अपने को रोकेंगे, और ऑफिसर्स को डरा के ही अपने को पूछना पड़ेगा, वैसे तो अपने को पता नहीं चलेगा। और बंदे ने गाइस अपने को देख लिया है, और ये रहा एक बंदा निकल, इसको गाइस यहाँ पे अपने मार दिया है, और बाकी गाइस वहाँ पे से आ रहे हैं। रुक जाओ गाइस यहाँ पे नहीं बचेंगे अपने से, आ जाओ जितने भी आ जाओ गाइस यहाँ पे बंदे ये रहे देख, ओ भाई निकल, इसको भी मार दिया है। और यहाँ पे ये रहा एक और बंदा निकल गाइस, यहाँ पे ऊपर की तरफ से कौन मार रहा है भाई यहाँ पे, उसको छोड़ते हैं अपने और आगे चलते हैं। और शायद थे गाइस यहाँ पे जो केबिन है वहाँ पे ऑफिसर रहेगा, ऊपर जो केबिन है गाइस यहाँ पे जो शिप है उसका वहाँ पे अपने को मिलेगा ऑफिसर, बाकी यहाँ पे बंदे अपने को नहीं दिख रहे हैं। मैं ऊपर गाइस यहाँ पे संभल के ही चलूँगा क्योंकि गाइस यहाँ पे बंदे रखे हो सकते हैं इन्होंने। और रुक जाओ यहाँ पे कौन हैगा, नहीं गाइस कोई भी नहीं है, वो रहा एक और निकल, वो भाई यहाँ पे नहीं लगा इसको, लग गया गाइस मेरे को लगा नहीं लगा इसको। और मैं ऊपर पहुँच चुका हूँ, और गाइस यहाँ पे और आ गए जो केबिन है ऊपर है, और अपने को आर्मर भी यहाँ पे मिल चुका है, और बंदे है कि नहीं, और ये रहा गाइस यहाँ पे बंदा, और निकल भाई यहाँ पे निकल, मार खाएगा इसको, मार दिया, बाकी आर्मर मैं पहन लेता हूँ। और जो यहाँ पे से यानी कि जो और यहाँ पे गाइस जो हैगा इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं अंदर ऑफिसर्स के पास। और गाइस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन अपने को लेने की थी वो ले ली है, और मैं फटाफट इन्फॉर्मेशन तो अपने पास आ गई है, और मैं फटाफट यहाँ पे से निकल जाता हूँ जो अपना गाइस यहाँ पे है प्रिंटिंग प्रिंटिंग का वर्कशॉप वहाँ पे। और भाई निकल यहाँ पे मार रहा है निकल, इज्जत से मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, फटाफट मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो गाइस यहाँ पे अपने को दिक्कत हो जाएगी। यूजी है कि अपने पास, और भाई यहाँ पे अपनी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, और निकलो पहले यहाँ पे से, कार ले लो बस। गाइस यहाँ पे हेल्थ कहाँ से आई मेरे को पता नहीं, और गाइस यहाँ पे जो यानी कि स्लाइड थी गाइस उसके नीचे गाइस यहाँ पे हेल्थ मिलती है मेरे को पक्का अभी पता चला, और वहाँ से आ गई होगी। और मैं फटाफट जो अपनी वर्कशॉप यानी कि जो कंपनी है प्रिंटिंग के वहाँ पे चल रहा हूँ, और इन्फॉर्मेशन के बारे में जो अंकल है उसको भी बता देता हूँ। और अपने आ गए गाइस जो अपनी कंपनी यहाँ पे, और फटाफट गाइस यहाँ पे अपनी कार को रख देते हैं और अंकल को भी बता देते हैं। और यहाँ पे गाइस जो अपना मिशन था गाइस वो यहाँ पे भी पास हो चुका है, और अपनी कार अभी तक गाइस यहाँ पे ही खड़ी थी, और चलते फिर गाइस यहाँ पे अंकल के ही पास में। हाँ भाई गाइस जो अपने यहाँ पे काम कर रहे हैं अंकल, उनको जो इन्फॉर्मेशन देने की थी वो दे दी, बाकी अपनी दोनों के दोनों कार यहाँ से गायब हो गई है, तो मैं ये वाली कार को लेता हूँ। और गाइस यहाँ पे ऑफिसर्स ने अपने को ये इन्फॉर्म दी थी गाइस यहाँ पे जो डर्जी रिट्स गैंग है उसका लीडर गाइस आज यहाँ पे डोकैट पे जो अपने को काउंटर फेट प्लेट जो चाहिए वो आज यहाँ पे कुरियर आने वाला है उसका, यानी कि जो लीडर है डर्जी रिट्स गैंग का वो यहाँ पे लेके आने वाला है। तो बस अपने को गाइस कुछ नहीं करना, जो गैंग है उसके बंदे को मारना है, और जो प्लेट्स है वो चुरा के लेके आनी है, और यहाँ पे जो अंकल है यानी कि जो अपने यहाँ पे काम करते हैं उनको दे देनी है, बाकी का काम अंकल संभाल लेंगे, यानी कि जो प्रिंटिंग करने का काम है अंकल करेंगे। और यहाँ पे गाइस जो लोकेशन दी गई है वहाँ पे मैं पहुँच नहीं आया हूँ, बाकी यहाँ पे से आर्मर अपने को मिल जाएगा एक और, फिर गाइस मैं यहाँ से आर्मर लेता हूँ, गन को गाइस यहाँ पे तैयार रखते हैं, और फटाफट गाइस जो लोकेशन है वहाँ पे पहुँचते हैं। बाकी गाइस जो लोकेशन है यहाँ पे अपने पहुँच गए, बाकी हेलीकॉप्टर वो उतरा गाइस वहाँ पे उतर चुका है मेरे को दिख गए हैं, और यहाँ से शायद तक रास्ता है, तो गाइस यहाँ से मैं चलता हूँ, इसमें उतरता हूँ पहले। गाइस जो हेलीकॉप्टर जो बंदा है यहाँ पे जो यानी कि प्लेट्स लेके आएगा उसको मैं उड़ा देता हूँ, और रुक जाओ गाइस ये रहे बंदे निकल, और इसने यहाँ पे अपने को देख लिया, जो बंदे उन्होंने अपने को यहाँ पे देख लिया है। और रुक जाओ भाई यहाँ पे कौन उतरता है, रुक जाओ उतर जाओ जल्दी से यहाँ पे उतरो, जो भी उतरता उतर जाओ। अब ये गया गई निकल, इसको गाइस यहाँ पे अपने ने मार दिया है, और निकल भाई यहाँ पे गाइस यहाँ पे इसको मार दिया है, और गाइस बंदे गाइस यहाँ पे ज़्यादा है। रुक जाओ गाइस यहाँ पे अपने को सूटकेस में शायद है, यहाँ जो ब्रीफ केस है उसके अंदर यहाँ पे प्लेट्स है, इसको अपने ने ले लिया है इजीली, और फटाफट गाइस जो अपनी प्रिंटिंग कंपनी वहाँ पे चल के अंकल को दे देते हैं ये प्लेट्स, और इजीली गाइस यहाँ पे अपने ने यहाँ पे इसे इनको ज़्यादा यानी कि कुछ मारा मारी करे बिना ही गाइस यहाँ पे से ले लिए जो प्लेट्स लेने की थी वो, और एक पुलिस केस गए गाइस अपना कुछ भी नहीं होने वाला है। और बस गाइस यहाँ पे अपने पहुँच गए यहाँ पे जो अपनी प्रिंटिंग कंपनी है वहाँ पे, और ये प्लेट्स अंकल को दे देने हैं जिससे गाइस वो यहाँ पे मशीन में लगा के काम शुरू कर देंगे, और अपना गाइस जो प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मैं फटाफट कार को यहाँ पे रखता हूँ,
और अंकल को गाइस यहाँ पे जो प्लेट्स देने के वो दे देता हूँ मैं। और प्रिंटिंग कंपनी में गाइस यहाँ पे काम शुरू हो चुका है और अपना जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। डेली के गाइस यहाँ पे अपने को $8,000 मिलेंगे, समझ लो गाइस अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट अपने को मिल गया है। और मैं फटाफट मेरा जो हाउस है वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। यहाँ पे गाइस अपना जो आर्मर है गाइस यहाँ पे 52 है गाइस, तो मैं यहाँ पे 100% यहाँ पे कर लेता हूँ, यानी कि 100% यहाँ पे हो गया अपना आर्मर। और अब अपना हाउस बहुत दूर भी नहीं है, अपना जो हाउस है वहाँ पे अपने पहुँच चुके। और गाइस यहाँ पे आज अपने ने गाइस अपनी प्रिंटिंग कंपनी को गाइस यहाँ पे शुरू कर दिया, यानी कि लॉस में से प्रॉफिट में लिया है। और इतना काम आज से अपने को करने का था उसको कर लिया है। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।